हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम नॉइज़ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था नवंबर 2017 के सेकंड पेपर में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। तो क्वेश्चन था, नॉइज़ लेवल ऑफ 70 dB क्रॉस पॉन्ड्स टू साउंड इंटेंसिटी ऑफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है क्रैमिंग का, और आपकी याददाश्त पे, आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है इसको आपने याद करना है। इस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेंसिटी दी हुई है साउंड की इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, और राइट साइड में दी हुई है साउंड इन डीबी। तो जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 dB के क्रॉसपॉन्ड क्या इंटेंसिटी होगी, वो होगी 10⁻¹। ऐसे ही 0 से लेके 160 तक मैंने आपको इंटेंसिटी और डीबी दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इसको याद कर लोगे तो बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे डेफिनेटली। बट अगर आप इसे याद नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो साउंड इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे साउंड की इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, dB इज़ इक्वल टू 10 log साउंड इंटेंसिटी डिवाइड बाई रेफरेंस इन इंटेंसिटी, या थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी आप इसे कहेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वो है 1 × 10⁻¹². तो चलिए इस फॉर्मूले में अब हम अपनी वैल्यू रखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 dB, तो 70 इज़ इक्वल टू 10 log इंटेंसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाई 1 × 10⁻¹². अब इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसके लिए क्या किया गया है, मैंने दोनों साइड में इसको 10 10 से डिवाइड किया है। तो जब हम 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेज में हम अपनी इस इक्वेशन के दोनों साइड में एंटी लॉग लेते हैं। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो दोनों साइड की जो वैल्यू हैं वो 10 के एक्सपोनेंट हो जाएंगे। तो 7 जो है ये 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा, और इधर जो ये हमारा लॉग इंटेंसिटी डिवाइड बाई 1 × 10⁻¹² है, ये भी 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। उसके लिए क्या किया गया है, दोनों साइड को में हमने 10 10 से डिवाइड किया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, दोनों साइड में एंटी लॉग लिया है, और जब हमने एंटी लॉग लिया है तो दोनों साइड में जो नंबर हैं वो 10 के एक्सपोनेंट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 10 log x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x के। यानी कि अब जो ये पूरा हमारा पोर्शन है ये जस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इस पोर्शन के। तो 10⁷ इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 1 × 10⁻¹². अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो गई है।
अब हम जो है इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10^7 इंटू 1 × 10^-12। और जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 10^-5। ये लास्ट के टू स्टेप हम मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जब हमने यहाँ पे दोनों साइड में एंटी लॉग ले लिया था तो दोनों साइड में जो हमारे पास नंबर थे वो 10 के एक्सपोनेंट हो गए थे। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है 10^log × x का जो मान होता है वो इक्वल होता है x के, यानी कि जो ये पूरी जो टर्म है ये जस्ट इस टर्म के बराबर हो जाएगी। और जब हम इसको यहाँ पे हमने पुट किया तो 10^7 इज इक्वल टू आई अपॉन 1 × 10^-12। अब हमने आई कैलकुलेट कर लिया सिंपली, जो क्या आया है 1 × 10^-5। तो इस टाइप से आप इंटेंसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन यही है कि आप उस टेबल को याद कर लें, इससे क्या होगा एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में जो टाइम वेस्ट होगा उसको आप सेव कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।